दिस इज़ फोटी फर्स्ट लेक्चर ऑफ़ आवर कोर्स जनरल मैथड्स ऑफ टीचिंग आज के लेक्चर के अंदर हम दो बहुत मुख्तलफ टीचिंग मैथड्स को डिस्कस करेंगे uh, मुख्तलि इसलिए कि एक जो है वो स्टूडेंट सेंटर्ड मैथड है और दूसरा जो है वो टीचर सेंटर्ड मैथड है कोई मैथड भी जो है वो जैसा हम पहले बात करते आए हैं अच्छा या बुरा नहीं होता उसका इस्तेमाल जो है वो किस जगह पर किया जाना है दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट वाई सिलेक्टिंग अ मैथड सो आज के जो दो मैथड्स हैं वन इज डिस्कवरी लर्निंग एंड द अदर वन इज प्रेजेंटेशन डिस्कवरी लर्निंग इज अ लर्नर सेंटर्ड मैथड और स्टूडेंट सेंटर्ड मैथड जबकि प्रेजेंटेशन जो है दैट इज अ टीचर सेंटर्ड मैथड इन दोनों की अपनी अपनी अहमियत है लेकिन जो अगर हम इसको लर्नर सेंटर्ड मेथड के हवाले से बात करें तो हम यूज करते हैं डिस्कवरी लर्निंग मेथड को जहां पर स्टूडेंट की लर्निंग हो रही है और यू कैन से दैट फॉर लर्निंग एक्टिविटीज वी प्रेफर लर्निंग सेंटर्ड मेथड्स जिसमें से आज हमने सेलेक्ट किया है डिस्कवरी लर्निंग मेथड को और जो टीचर सेंटर मेथड है उसके ऊपर भी बात करेंगे अपने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की थी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन के ऊपर तो आज एक और टीचर सेंटर्ड मेथड हम डिस्कस करेंगे दैट इज प्रेजेंटेशन और देखेंगे कि अच्छी प्रेजेंटेशन जो है वो कैसे की जा सकती है सो लेट स्टार्ट विद डिस्कवरी लर्निंग इससे पहले कि हम इस पे बात करें आई वॉन्ट यू टू हैव अ लुक ऑन दिस पिक्चर देखिए इस पिक्चर के अंदर क्या है ट्राई टू डिस्क्राइब दिस पिक्चर डिस्क्राइब दिस पिक्चर फॉर योर सेल्फ इट्स वेरी सिंपल पिक्चर इसके अंदर क्या है आपको दो बच्चे नजर आ रहे हैं बहुत स्माइलिंग फेज के साथ एक बच्चा जो है वह नीचे लेटा हुआ है खुश हो रहा है दूसरा बच्चा जो है वो कुछ ड्राॅइंग कर रहा है और कलर कर रहा है और साथ में स्माइलिंग फेज है खुश नजर आ रहा है साइड के ऊपर आपको कुछ चौक पड़े हुए नजर आएंगे दिस इज सिंपल एक्टिविटी

स्पिरिट ऑफ डिस्कवरी ये पिक्चर जो नजर आ रही है इसमें एक्टिविटी जरूर है वेर चिल्ड्रन आर डूइंग चॉक ड्राइंग दे आर हैप्पी सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इससे बच्चे जो है वो मोटिवेटेड भी फील करते हैं और साथ साथ में उनकी लर्निंग भी हो रही होती है लेकिन ये प्योर एक्टिविटी है इसके अंदर कोई डिस्कवरी नहीं है सो वी कैन नॉट से दैट दिस एज आ डिस्कवरी लर्निंग मैथड जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि हमें इस चीज को फर्क करना जरूरी है कि डिस्कवरी क्या होती है डिस्कवरी लर्निंग और डिस्कवरी मेथड जो है ये सिंपल एक्टिविटी बेस्ड मेथड नहीं है इट इज एक्टिविटी बेस्ड मेथड इन्वॉल्विंग सर्टन डिस्कवरी तो अब हम देखते हैं कि डिस्कवरी लर्निंग है क्या डिस्कवरी लर्निंग इज एन अप्रोच टू इंस्ट्रक्शन

और उससे कुछ सीखने की कोशिश करता है उसके जहन में कुछ सवाल आते हैं उन सवालों का जवाब देता है इन दिस वे चाइल्ड लर्नस चाइल्ड डिस्कवर्स नॉलेज फॉर हर सेल्फ और हिम सेल्फ इसकी हम एक एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं कि आप बच्चे को पार्क में ले जाए स्कूल लॉन में ले जाए और बच्चे से आपने ये कहा कि उन उसने आइडेंटिफाई करना है कि उस लॉन में कितनी किस्म के फूल हैं कितने रंगों के फूल हैं अब बच्चा जो है वो देख रहा है काउंट करेगा कि पीले रंग के कितने फूल हैं नीले रंग के कितने फूल हैं हरे रंग के पर्पल कलर के कितने फूल हैं वो इन चीजों को डिस्कवर करने की कोशिश करेगा फिर इसी तरीके से हमने बात की कितनी किस्मों के फूल हैं वो ये देखेगा कि आ, उसको डिफरेंट फ्लावर बेड्स के अंदर कौन कौन से किस्म के फूल नजर आ रहे हैं उसके बाद अगर टीचर उसको कहे कि आप ये देखें ये बताएं कि कौन कौन से किस्म के फूल जो हैं वो आपस में मिलते जुलते हैं या कौन कौन से पौधे जो हैं एक लॉन में वो आपस में मिलते जुलते हैं उनको ग्रुप करें अगेन चाइल्ड इज गोइंग टू डिस्कवर टीचर इज नॉट गोइंग टू टेल द चाइल्ड कि ये वाले ग्रुप के अंदर ये ये वाले फूल आएंगे या ये ये वाले पौधे आएंगे बल्कि बच्चा उनको खुद से डिस्कवर कर रहा है इसी तरीके से आप बच्चों को मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स दे दें उनसे कहें कि इनको खुद से ग्रुप करे बच्चा हो सकता है कि राउंड ऑब्जेक्ट्स का एक ग्रुप बना दे ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी शक्ल जो है वो स्क्वायर है उनका एक ग्रुप बना दे मे भी बच्चा कुछ बच्चा आ, कुछ बच्चे ऐसे हों जो उनको हार्ड और सॉफ्ट के अंदर डिवाइड कर दें हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हों जो कि उनको मेटेलिक और नॉन मटेलिक में डिवाइड कर दें कुछ हो सकता है बच्चे हों जो डेंजरस और नॉन डेंजरस में उनको डिवाइड करने की कोशिश करें उनके ख्याल में कुछ चीजें कुछ एनिमल्स डेंजरस हैं मे भी प्लास्टिक के हैं या कैसे भी लेकिन बच्चे का एक अपना कंसेप्शन हो सकता है चाइल्ड इज गोइंग टू डिस्कवर डिफरेंट काइंड ऑफ नॉलेज इसी तरीके से आप बच्चे को कह सकते हैं कि आप एक बैग दे दें उससे कहें ऑब्जेक्ट को तलाश करो इनको आप हाथ लगा के फील करके बताओ कि इसके अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्ट जो है वो हार्ड है कौन कौन से सॉफ्ट है बैग के अंदर से चीजें नजर नहीं आ रही लेकिन बैग के अंदर कुछ है तो बच्चा जो है उनमें से जो सॉफ्ट चीजों को बाहर निकालेगा बताएगा कि अच्छा ये वाली सॉफ्ट लग रही है निकाल के देखें कि वाकई में उम्र सॉफ्ट है या नहीं है दैट इज डिस्कवरी फिर बच्चे जो हैं और तरह तरह की गेम्स करते हैं बच्चे जो हैं पजल्स बनाते हैं जिक्स पजल्स इसके मुताबिक हम पहले भी बात कर चुके हैं उनको पजल्स आप बच्चों को दे दें और उनसे कहें कि इसको जोड़ें एक पूरी की पूरी तस्वीर बनाए सो इट मीन्स कि वो डिस्कवर करेगा कि इसके कौन कौन से पार्ट जो है कहां, कहां पर आ सकते हैं डिस्कवर इस तरह से करेगा कि वो ये देखेगा कि अच्छा ये कॉर्नर का पीस है या ये दरमियान में आना चाहिए कहां पर आना चाहिए सो दैट इज डिस्कवरी एक और देखते हैं कि थ्रेटिकली डिस्कवरी लर्निंग क्या होती है एक और डेफिनेशन के ऊपर नजर डालते हैं डिस्क्री लर्निंग एंड कम्प एंडशनल मॉडल एंड स्ट्रेटी अपरचुनिटीज फॉर स्टूडेंट इसमें जो की वर्ड है दैट इज हैंड ऑन आपने बचपन में कोई गेम खेली होगी ट्रेयर हंट उसमें क्या होता था की आपके टीचर्स या घरों के अंदर भी चीजें छुपा दी जाती है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर और आपको कहा जाता है कि आप जाके इन चीजों को ढूंढे टीवी के ऊपर डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर भी ट्रेयर हंट एक बहुत कॉमन गेम है स्कूलों के अंदर जो फन फेयर मीना बाजार होता है समटाइम्स उसके अंदर भी ये वाली गेम आ, की जाती है बच्चे क्या करते हैं दे आर वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व इन दैट प्रोसेस टू डिस्कवर द ट्रेयर आप बच्चों से कुछ पजल्स uh, बनाते हैं उसके अंदर वोकेबलरी उसके अंदर छुपी हुई होती है आप बच्चों से कहते हैं कि इस पजल के अंदर दस वोकेबलरी वर्ड्स हैं दस वर्ड्स हैं जो कि आपने ढूंढने हैं फाइव वर्ड्स हैं जो आपने ढूंढने हैं इट इज अगेन डिस्कवरी लर्निंग सो Uh, i go back to this definition which says discovery learning encompasses an instructional model and strategies that focus on active hands-on learning opportunities for students. and mostly it is hands-on experience. so discovery learning is something which engages children very much in the learning process. अब नजर डालते हैं कि डिस्कवरी लर्निंग के एट्रीब्यूट्स क्या हैं आप सोच रहे होंगे कि अभी ये भी तो एट्रीब्यूट्स में ही आता है कि हैंड्स ऑन होते हैं एक्सपीरियंसिस uh, हैं और स्टूडेंट्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व यस बट लेट्स सी कि कुछ और एजुकेशनिस्ट जो हैं उन्होंने कौन से एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई किया है सो ट्रेसी बिकनल होम्स एंड पॉल हॉफ मैन एक्सप्लेन दैट डिस्कवरी लर्निंग हैज थ्री मेन कैरेक्टरिस्टिक्स दे आर Exploration and problem solving. Second, student-centered activities based on students' interests and scaffolding new information into students' funds of knowledge. So abhi jo baat ki wo ye, ke jo identify. Kiya, होम्स और हॉफ uh, मैन ने वो ये कि तीन चीजें हैं एक्सप्लोरेशन कि बच्चा एक्सप्लोर कर रहा है जैसे अभी मैंने मिसाल दी कि एक आपने पजल बना दिया है वो कैबलरी का और बच्चों से कहा है कि इसमें से पांच दस पंद्रह वर्ड्स निकालें बच्चा एक्सप्लोर कर रहा है और साथ साथ में प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है प्रॉब्लम क्या है कि वर्ड्स जो हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है वो छुपे हुए हैं उसमें बहुत सारे अल्फाबेट्स मौजूद हैं लेकिन हर एक अल्फ़ाबेट का जो सीक्वेंस है उसमें वर्ड नहीं है सो so, प्रॉब्लम क्या है वर्ड्स का छुपा होना और एक्सप्लोरेशन क्या है उन छुपे हुए वर्ड्स में से उन छुपे हुए लेटर्स जो हैं या कह लें कि उन लेटर्स में से वर्ड्स को एक्सप्लोर करना सो दैट इज एन एट्रीब्यूट ऑफ डिस्कवरी लर्निंग कि उसमें एक्सप्लोरेशन भी है और कुछ प्रॉब्लम भी है अभी मैंने जो एग्जांपल आपको दी ट्रैयर हंट की प्रॉब्लम क्या है कि ट्रइयर इज देअर बट इट इज नॉट ऑब्वियस इट इज हिडन कि प्रॉब्लम यह है कि वो छुपा हुआ है और आपने उसको ढूंढना है सो so, uh, इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि डिस्कवरी लर्निंग में कि देयर इज अ प्रॉब्लम एंड देन देर इज ऑल्सो एन एक्सप्लोरेशन सेकेंड स्टेप जो कि होम्स ने और हॉफमैन ने कहा वो ये कि ये स्टूडेंट सेंटर्ड है और बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है ऐसी चीज आप नहीं बनाएंगे ऐसी एक्टिविटी आप नहीं डिजाइन करेंगे इन विच टीचर इज इंटरेस्टेड बट अ चाइल्ड इज नॉट इंटरेस्टेड अगर बच्चा उसमें इंटरेस्टेड नहीं है वो यकीन उसके अंदर कोई एक्सप्लोरेशन नहीं करेगा उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा कि उसमें जाकर उस डिस्कवर uh, करें एंड द लास्ट पॉइंट दैट इज अगेन वेरी मच important दैट टीचर नीड्स टू scaffold the द इंफॉर्मेशन the information द इंफॉर्मेशन फॉर स्टूडेंट्स के बच्चों के पास एग्जिस्टिंग नॉलेज है किसी चीज का अगर बच्चा जो है किसी जगह के ऊपर उसको डिफिकल्टी uh, हो रही है तो टीचर को उसको एक आउटसाइड um, सपोर्ट देनी है टीचर ने उसको एग्जैक्ट वो डिस्कवर करके नहीं बताना लेकिन टीचर उसको सपोर्ट कर सकती है वो कैसे कि अगर आपने बच्चे को पजल दिया है और आपने बच्चों को कहा है कि इसके अंदर दस वर्ड्स छुपे हुए हैं आपने वो दस के दस आइडेंटिफाई करने हैं आप देखते हैं कि एक बच्चा जो है वो पांच वर्ड्स उसने कर लिए हैं लेकिन अगले पांच उससे नहीं ढूंढे जा रहे आप उसको स्केफोल्ड कैसे करेंगे ऐसे नहीं कि आप उनके पांच के जवाब वो बता देंगे कि ये ये वाले पांच वर्ड्स हैं बल्कि आप क्या करेंगे यू मे से कि ओल राइट इनमें से जो एक वर्ड है वो एफ से स्टार्ट होता है इसके अंदर आई भी आता है बच्चा ढूंढ लेगा अब अगले वर्ड की बारी है तो आप मे भी उसको सपोर्ट करें कि ऑल राइट इट हैज़ डब्ल्यू इन इट बच्चा उसको W वाले देखेगा कहाँ कहां पे W आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली कोशिश करेगा कि उस वर्ड को ढूंढ सके तो ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि अच्छी जो इसके एट्रीब्यूट्स हैं उसमें कि देर इज अ प्रॉब्लम देर इज एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी लर्निंग शुड बी अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स इंटरेस्ट

इसकी टाइप्स मुख्तलिफ नज़र आएंगी अगर आप कोई किताबें उठा लें आपको और तरह की टाइप्स नजर आएंगी तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक ही तरह की टाइप्स हैं ये इसकी कैटेगराइजेशन और इसकी काइंड हैं वो डिफरेंटली डिस्क्राइब की गई हैं आई विल शो यू टू डिफरेंट काइंड ऑफ कैटेगराइजेशन ऑफ डिस्कवरी लर्निंग इसमें एक जो मैं आपको दिखा रही हूँ आई है वेबसाइट जिसके अंदर बताया गया है कि एक्सपेरिमेंट्स डिस्कवरी लर्निंग होते हैं के yes, एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे के अंदर आप कुछ डिस्कवर uh, कर रहे होते हैं सिर्फ नतीजे में नहीं उस प्रोसेस को करते हुए में भी आप बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर करते हैं समटाइम्स यू डिस्कवर के इसके लिए जो आपने मटेरियल यूज़ किया है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है आपको कुछ डिफिकल्टी हो सकती है यू डिस्कवर नॉलेज फॉर योर फिर एक्सप्लोरेशन जैसे अभी हमने कहा कि एक्सप्लोरेशन जो है वो किसी भी तरह से हो सकती है जिस तरह से पजल्स में हो सकती है प्रेयर हंट जो है दैट इज अगेन एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी तो एक्सप्लोरेशन किसी भी किस्म की हो तो दैट इज अ टाइप ऑफ डिस्कवरी सिम्युलेशन बेस्ड लर्निंग सिमुलेशंस क्या होती हैं सिमुलेशंस आर्टिफिशियल वर्चुअल एनवायरमेंट्स के अंदर की जाती हैं तो उसको कंप्यूटर बेस्ड होती हैं So they are simulations, और उसको भी अगर बच्चा कर रहा है बना रहा है सो अगेन दैट इज डिस्कवरी लर्निंग यहां पर आपको नजर आ रहा होगा इस स्लाइड के ऊपर कि देर आर थ्री अदर काइंड ऑफ लर्निंग्स प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग एंड वेब क्वेस्ट जिनको अंडरलाइन किया हुआ है और ये ब्लू कलर में लिखे हुए है इनको कुछ लोग कहते हैं दे आर टाइप्स ऑफ लर्निंग बट देन अगेन देर इज दैट दे आर नॉट ऑफ ऑफ डिस्कवरी लर्निंग लर्निंग दे आर डिफरेंट स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड्स और हमने भी अपने इस कोर्स में प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग को और या इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग को हमने अलीदा से सेपरेटली डिस्कस किया है लेकिन कुछ लोग इनको इसी की डिस्कवरी लर्निंग की कैटेगरी के अंदर डालते हैं जो लोग कहते हैं कि इंक्वायरी एंड डिस्कवरी लर्निंग आर डिफरेंट थिंग्स उन वो ऐसा क्यों कहते हैं उसके पीछे लॉजिक ये है कि इंक्वायरी के अंदर कहा जाता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने डेटा खुद से कलेक्ट करना होता है इंफॉर्मेशन खुद से गैदर करनी होती है जो इंफॉर्मेशन आएगी उसकी मौजूदगी के अंदर वो Uh, कुछ इंटरप्रिटेशन करेंगे और इन लोगों का कहना यह है कि डिस्कवरी लर्निंग जो है उसके अंदर ये चीज नहीं है इंफॉर्मेशन इज गिवन टू द स्टूडेंट्स उनको डेटा दिया जाता है और फिर उनको कहा जाता है कि ये डेटा है अब आप इस डेटा को सामने रखें इस इंफॉर्मेशन को सामने रखें और इससे कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करें सो दैट इज डिस्कवरी लर्निंग दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्कवरी लर्निंग एंड इंक्वायरी लर्निंग ये बात समझ में आती भी है कि इंक्वायर में जब कहा जाता है फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं कि बच्चों को हमने अपने इंक्वायरी के लेसन के अंदर एक एग्जाम्पल डिस्कस की थी कि हम बच्चों से ये कहें कि इंक्वायर योर फैमिली फूड ट्रेडिशंस तो बच्चों ने इंक्वायर करना है वो जाएंगे इंटरव्यू करेंगे अपने फैमिली मेम्बर्स से और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी फैमिली के अंदर कौन कौन सी ट्रेडिशंस रही हैं लेकिन अगर टीचर क्या करता है कि डिफरेंट बच्चों ने जो भी उनके पास ट्रेडिशंस आई हैं वो बच्चों को प्रेजेंट कर दे और उनसे कहे कि आप सिमिलरिटीज़ देखें कि जो लोग आज़ाद कश्मीर से हैं या जो लोग पंजाब से हैं जो सिंध से हैं बलूचिस्तान से हैं खैबर पख्तूनखवा से हैं गिलगित बल्तिस्तान से हैं इन लोगों की ट्रेडिशंस में फ़ूड ट्रेडिशंस में कौन से सिमिलरिटीज़ हैं और कौन से डिफ़रेंसेस हैं बच्चों को इंफॉर्मेशन दे दी गई है एंड नाउ चिल्ड्रन आर गोइंग टू डिस्कवर वट आर द डिफ्रेंस एंड वट आर सिमिलैरिटीज बिटवीन द दैट इज़ डिस्कवरी लर्निंग

डिस्कवरी लर्निंग टाइप्स अब मैं एक और कैटेगराइजेशन आपसे शेयर करूंगी जो कि कहती है कि डिस्कवरी लर्निंग की टाइप्स मुख्तलिफ होती हैं एंड वट आर टाइप्स लेट्स हैव अ लुक ऑन टाइप्स द फर्स्ट वन इज केस बेस्ड लर्निंग अकॉर्डिंग टू दिस कैटेगराइजेशन केस बेस्ड लर्निंग इज अइंड ऑफ डिस्कवरी लर्निंग आप बच्चों को केसेस दें केस स्टडीज दें और उनसे कहें कि ये आपके पास डेटा है इसके नतीजे के अंदर कुछ कंक्लूजन ड्रा करें फॉर एग्जाम्पल अगर आप हेल्दी हैबिट्स के ऊपर कोई लेसन बच्चों को करवा रहे हैं आप एक केस ऐसा ले सकते हैं जिसमें बच्चा जो है रात को सोने से पहले दांत ब्रश करता है सुबह नाश्ते के बाद दांत ब्रश करता है हेल्दी फूड लेता है आ, उसकी फिजिकल एक्टिविटी है क्रिकेट खेलता है बैडमिंटन खेलता है टाइम से सोता है टाइम से उठता है एक ऐसा केस ले लें जिसके अंदर जो बच्चा है टाइम से उठता है टाइम से सोता है उसकी फिजिकल एक्टिविटी भी है लेकिन वो रात को दांत साफ नहीं करता एक तीसरा केस ले लें कि जो बच्चा जो है बहुत लेजी है रात को देर तक टीवी देखता है और उसकी इतनी क्या कहना चाहिए हेल्दी हैबिट्स नहीं है एक चौथा केस ले, ले आप बच्चों को ग्रुप्स के अंदर केसेस दे दें और उनसे कहे कि डिस्कवर करें कि इस डिफरेंट जो केसेस हैं इनमें से बेस्ट आ, आ, हेल्दी हैबिट्स किसकी हैं लाइफ स्टाइल कौन से बच्चे का बेस्ट है कौन सा बच्चा है जिसका लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं है और डिस्कवर करें कि आपके आपके ग्रुप के अंदर आप लोगों के अपने लाइफ स्टाइल्स कौन से केस के साथ मिलते जुलते हैं इसी तरीके से अगर हमने बच्चों को ट्रांसपोर्टेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ाना है तो हम मोस्टली क्या करते हैं बच्चों को जाके बताएंगे कि ट्रांसपोर्टेशन इस, इस तरीके से होती है और ट्रैफ़िक की ये सूरत हाल होती है और सब कुछ इसकी बजाय में अगर आप अखबारों से कुछ पिक्चर्स की फॉर्म के अंदर केसेस काट लें और आके बच्चों को प्रेजेंट करें और बच्चों से कहें कि वो डिस्कवर करें कि ट्रांसपोर्टेशन की क्या सूरत हाल है लाहौर में पेशावर में क्या सूरत हाल है फैसलाबाद में क्या सूरत हाल है कोटा में क्या है कराची में क्या है हैदराबाद में क्या है इस्लामाबाद में क्या है सो इट वुड बी डिस्कवरी लर्निंग अप्रोच तो इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि हम बच्चों को अपॉर्चुनिटी दें कि वो डिस्कवर कर सकें सो केस मेथड और केस बेस्ड डिस्कवरी लर्निंग इज इन फैक्ट वेरी एंगेजिंग आप ट्राई आउट करके देखिएगा इट इज वेरी एंगेजिंग नेक्स्ट uh, देखते हैं डिस्कवरी लर्निंग की टाइप को दैट इज कॉल्ड इंसिडेंटल लर्निंग इंसिडेंटल लर्निंग इंक्लूड्स टू काइंड ऑफ एक्टिविटीज गेम्स लाइक एक्टिविटीज एंड पजल्स जिस तरह से अभी हमने ट्रेयर हंट की एग्जाम्पल ली इट कम्स अंडर इंसिडेंटल लर्निंग इसके अंदर अब बच्चा जो है डिफरेंट किस्म की उसकी लर्निंग हो रही होती है और इट कैन बी कॉल्ड इंसिडेंटल लर्निंग वो एक इवेंट है एक इंसिडेंस है जिससे कि बच्चा डिस्कवर कर रहा है सो so, उसके अंदर आप कोई सी भी आमतौर पर फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती हैं और उसमें आप बच्चों को कहते हैं कि आप बच्चे जो हैं इस किस्म की एक्टिविटीज़ करें जहाँ पे कुछ चीज़ें छुपा दी जाएँ या जिस तरह से मैंने अभी एग्जाम्पल दी वर्ड्स को छुपा दिया जाए फिर इसी तरीके से मैथमेटिक्स के अंदर हो सकती है सुदूको एक आम गेम है अब तो मोबाइल्स के अंदर भी आती है उसके अंदर भी कि नंबर्स छुपे हुए हैं ऐसे नंबर्स जिनका जिनको ऐड करें तो ये आता है तो वो बच्चे अगेन डिस्कवर करते हैं कि कौन कौन से नंबर्स uh, जो हैं उसमें आएंगे समटाइम्स कहा जाता है कि ये प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है कि वो एक प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को बच्चे हल कर रहे हैं इट इज़ अ काइंड ऑफ डिस्कवरी लर्निंग प्रॉब्लम बेस्ड इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं उनको तो हम डिस्कवरी लर्निंग के अंडर ला सकते हैं लेकिन हर किस्म की प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग जो है वो डिस्कवरी लर्निंग नहीं भी होती है लेकिन जो मैथ्स के हैं या जिस तरह से ये पजल्स की बात हम करते हैं सो दे कैन बी नेमड एज़ प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग टास्क बट एट द सेम टाइम दे आर डिस्कवरी लर्निंग तो इसी वजह से इसको डिस्कवरी लर्निंग की टाइप के अंडर डिस्कस किया गया है एक थर्ड टाइप है डिस्कवरी लर्निंग की दैट इज कॉल्ड लर्निंग बाय एक्सप्लोरिंग ये वही लर्निंग है जो कि हमने बात की एक्सप्लोरेशन की लेकिन जो ये वाली लर्निंग है इसके अंदर जो स्पेसिफिक फोकस होता है दैट इज ऑन क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल के आपने बच्चों को कुछ चीजें दे दी हैं और आप उनसे कह रहे हैं जो मैंने अभी एग्जाम्पल भी दी बैग की कि आप इस बैग के अंदर क्या क्या कुछ है और बच्चे जो हैं वो इस वक्त में हार्ड और सॉफ्टनेस के ऊपर बात नहीं करेंगे बल्कि वो बताएंगे उसको देखे बगैर अच्छा कि ये जो है ये बॉल पॉइंट हो सकता है हाथ लगा के दिस कुड बी फुट रूलर दिस कुड बी कॉम दिस कुड बी लिपस्टिक दिस कुड बी शार्पनर दिस कुड बी रबर दे आर गोइंग टू नेम द ऑब्जेक्ट्स एक्सप्लोर कर रहे हैं ना हाथ से फील करके कि ये चीज क्या होगी सो दैट इज एक्सप्लोरेशन फिर एक और है दैट इज कॉल्ड लर्निंग बाय रिफ्लेक्शन लर्निंग टू आस्क बेटर क्वेस्टन्स टीचर आंसर स्टूडेंट क्वेश्चन विद एडिशनल क्वेश्चन फॉर द स्टूडेंट टू आंसर रिफ्लेक्शन के बच्चा जो है उसको अगर किसी चीज का नहीं पता तो वो क्या करता है वो उस्ताद से सवाल कर रहा है और टीचर इज नॉट गिविंग आंसर टू द्वेश्चन टीचर उस सवाल के जवाब में और सवाल करता है बच्चा उसका जवाब देता है टीचर एक और सवाल करता है ये प्रोबिंग क्वेश्चन जो होते हैं जो कि हमने इनिशियल लेसन के अंदर डिस्कस किए थे सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स टीचर प्रोब्स द चाइल्ड इस तरह से प्रोब करता है कि बच्चा जो है उसको वो अपने सवाल का जवाब डिस्कवर कर लेता है फॉर एग्जाम्पल अगर एक बच्चा आपसे ये सवाल करता है कि आस जो आसमान जो है वो ब्लू क्यों नजर आता है सो इंस्टेड ऑफ टेलिंग द चाइल्ड ब्लू लाइटर्स द मोस्ट दैट्स वाई इट लुक्स ब्लू आप बच्चे से ये पूछें कि अच्छा जो आपकी सूरज से रोशनी आ रही होती है वो किस रंग की होती है बच्चा जवाब देगा टीचर नेक्स्ट सवाल करे अच्छा सेवन कलर्स हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि सेवन कलर्स जो हैं उनकी वेवलेंथ सेम है या डिफरेंट है इसी तरीके से बच्चे को टीचर गाइड करता चला जाता है अनलेस के बच्चा उसी जवाब तक पहुंच जाता है इसको सोक्रेटिक मेथड भी कहते हैं so, हमने एक और लेसन में भी इसके ऊपर बात की है सोक्रेटिक मेथड वो मेथड जिसमें टीचर जो है वो बच्चों को जवाब नहीं बता रहा बल्कि ऐसे सवाल कर रहा है कि बच्चा डिस्कवर कर सके जवाब अपने लिए सो दैट इज अगेन डिस्कवरी मेथड इसको कहते हैं लर्निंग बाय रिफ्लेक्शन Then, there is another method, that is, जो हमने पहले भी बात की थी सिम्यूलेशन बेस्ड लर्निंग डो रिमेम्बर हमने देखी है डिफरेंट कैटेगराइजेशन ऑफ डिस्कवरी लर्निंग एक पहले हमने कैटेगराइजेशन देखी थी जिसके अंदर इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग को डिस्कवरी uh, लर्निंग की टाइप बताया गया था अब ये कैटेगराइजेशन देखिए इसमें से कुछ चीजें तो सेम है जो कि पहले कैटेगराइजेशन में भी थी लेकिन कुछ मुख्तलिफ है तो जो सेम है उसके अंदर सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग है कि बच्चे से यह कहा जाए कि आप किसी भी चीज़ की सिमुलेशन बनाए कंप्यूटर पे बनाएं एंड प्रेजेंट दैट तो क्रिएटिविटी है बच्चा खुद से उसकी सिमुलेशन बना रहा है सो दैट इज अगेन डिस्कवरी लर्निंग इसके अंदर डिस्कवरी लर्निंग के ऊपर ब्रूनर ने बहुत काम किया और ब्रूनर का ये ख्याल था कि बच्चे जो हैं दे आर नेचुरल डिस्कवरर्स कि वो एक लर्निंग प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं दे आर एंगेज विद द थिंग्स एंड दे कैन डिस्कवर थिंग्स फॉर देम सेल्व दे कैन डिस्कवर नॉलेज फॉर देम सेल्व तो उसने इसके ऊपर काफी काम किया अब हम देखते हैं कि इसका सिंटेक्स क्या है मतलब ये कि अगर आपने डिस्कवरी लर्निंग प्लान की है बच्चों के लिए तो इसके स्टेप्स क्या हैं? स्टेप बाय स्टेप आप इसको कैसे लेकर चलेंगे कि इससे बच्चों की लर्निंग वाक्यतन हो सके हम इसको कैसे अच्छे तरीके से करवा सकते हैं सो आर नाइन स्टेप्स ऑफ डिस्कवरी लर्निंग द फर्स्ट स्टेप इज सिलेक्ट एन एक्टिविटी आपको पता होना चाहिए कि ये जो मैं एक्टिविटी सेलेक्ट करने जा रही हूं या करने जा रहा हूं ये वाकई ही में डिस्कवरी लर्निंग इसके अंदर होगी ऐसा ना हो कि आप सिंपल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवाएं एक्टिविटी तो हो लेकिन डिस्कवरी का एलिमेंट उसके अंदर ना हो आई रेफर बैक टू पिक्चर विच आई शोड यू इन द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर यहाँ पे एक्टिविटी थी बच्चे सड़क के ऊपर चौक ड्राइंग कर रहे थे वर हैप्पी लेकिन वो डिस्कवरी नहीं थी तो सिलेक्शन ऑफ एक्टिविटी इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि ऐसी सिलेक्शन हो जो कि वाकई ही में डिस्कवरी लर्निंग की तरफ लीड करे फॉर एग्जाम्पल आप बच्चों से रोल प्लेइंग करवा सकते हैं इसी तरीके से बच्चों को कहा जा सकता है कि आप इन चीजों के करेक्टरिस्टिक्स ऑब्जर्व करें जिस तरह से मैंने आपको केस बेस्ड मेथड की एग्जाम्पल दी कि केस बेस्ड लर्निंग के अंदर आप बच्चों को केसेस दे रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि डिस्कवर इंफॉर्मेशन और डिस्कवर कंक्लूजन्स डिस्कवर नॉलेज तो ये इस किस्म की आप एक्टिविटी सेलेक्ट करें पहले द सेकेंड इज़ गैदर मटीरियल्स टीचर ने अगर सोचा है कि मैं रोल प्ले करवाऊंगी तो उसके लिए प्रॉपर मटीरियल टीचर को चाहिए कि वो सिलेक्ट करें या टीचर ने अगर कहा है कि मैंने बच्चों को एक्सप्लोरेशन टास्क करवानी है कि बैग के अंदर मैं क्लास के अंदर फाइव बैग्स दूंगी प्लास्टिक के थैले होंगे उसके अंदर मटेरियल डला हुआ होगा तो टीचर को वो मटेरियल भी तो ढूंढना है वो मटेरियल पूरा का पूरा आ, तलाश करना है और उसका पूरा रिसोर्स बनाकर बच्चों को प्रेजेंट करना है इसी तरीके से अगर टीचर ने केस बेस्ड लर्निंग करवानी है तो टीचर ने वो केसेस तलाश करने हैं अगर नहीं मिलते टीचर ने खुद से बनाने हैं सो सिलेक्शन ऑफ एक्टिविटी इज द फर्स्ट स्टेप एंड देन मेटीरियल रिक्वायर्ड नीड टू बी प्लान दे नीड टू बी गैदर्ड दर्ड स्टेप इज द टीचर नीड्स टू एंश्योर दूडेंट्स आर फोकस्ड एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जब भी डिस्कवरी लर्निंग uh, करवाई जाती है बच्चों के लिए डिस्कवरी लर्निंग टास्क प्लान की जाती हैं तो दे आर वेरी इंटरेस्टिंग टास्क फॉर द स्टूडेंट्स समटाइम्स बच्चे जो हैं उस फोकस से हट जाते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बच्चों को बैग वाली एक्टिविटी दी है करने को तो बच्चे जो हैं उनमें से जब बता रहे हैं कि इसके अंदर ये ये वाली चीजें हैं टच कर रहे हैं तो वो ज्यादा टाइम इस पर भी लगा सकते हैं कि अच्छा ये बहुत ज्यादा कोई चीज़ जो है ये सॉफ्ट सी लग रही है हमने इसकी इनको ये भी बताना है कि कितनी चीज़ें हार्ड है कोई चीज़ सॉफ्ट है या नहीं है सो समाइम्स दे डोंट रिमेन फोकस्ड इसी तरीके से अगर एक्सपेरिमेंट्स की हम बात करें खास तौर पे केमिस्ट्री uh, की अगर हम uh, बड़े बच्चों के साथ केमिस्ट्री फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स हैं तो टाइम्स ऐसा होता है कि एक्सपेरिमेंट जब बच्चे को कहा गया कि वो करे तो टाइम्स uh, वो उससे हट जाता है उसका फोकस हट जाता है वो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना शुरू कर देता है कि अच्छा ये जो सिंक है इसके अंदर अगर ये वाली चीज़ हम डालेंगे तो इन दोनों चीज़ों को मिला के देखें कौन से रंग बन रहे हैं या देखें क्या हो रहा है तो वो जो औरिजनल uh, एक्सपेरिमेंट है वो उससे ज़्यादा उससे हट जाते हैं और उसके अंदर फिल इन कोश करते हैं कोशिश आ, उस टाइम को फिल इन करने की कोशिश करते हैं सम अदर एक्टिविटीज़ तो जब भी टीचर प्लान करे डिस्कवरी लर्निंग को तो उसके अंदर देखें कि यहाँ पे बच्चे जो हैं शायद के फारिग हों तो जब वो फारिग हों तो टीचर उनको बताएं इस टाइम पर क्या करना है ताकि बच्चे जो हैं वो फोकस्ड रहें उनको पता हो कि हमने अल्टीमेटली ये चीज़ अचीव करनी है टीचर नीड्स टू टेल देम टाइम टीचर नीड्स टू टेल देम वट दे आर गोइंग टू अचीव एट द एंड सो टीचर नीड्स टू एंश्योर दैट स्टूडेंट्स आर फोकस्ड देन यूज कॉशन डिस्कवरी लर्निंग इट इन्वॉल्व मोस्टली हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसिस तो सेफ्टी मयर्स का भी ख्याल रखना ज़रूरी होता है अगर आपने बच्चों को पानी दे दिया है तो आपके पास ये भी अगर छोटे बच्चे हैं तो आपके जहन में ये भी होना चाहिए कि मेरे पास काफ़ी डस्टर्स हों कि अगर बच्चे पानी स्पिल कर देते हैं नीचे टेबल्स पे तो उसको वाइप करने के लिए मेरे पास कपड़ा होना चाहिए या स्पंज होना चाहिए या बच्चों को किस तरीके से करवाया जाए कि पानी स्पिल करने का कोई चांस ना हो तो यूज कॉशन इसी तरीके से अगर आप एक्सपेरिमेंटेशन में बच्चों को ले जा रहे हैं तो उसमें देर कुड सम डेंजरस केमिकल्स देर कुड फायर और अदर थिंग्स तो टीचर को इस चीज के हवाले से बहुत कॉशियस होना चाहिए और बच्चों को भी उसको कॉशन नोट्स uh, देते रहना चाहिए देन देर इज अनदर अदर थिंग दैट दैट इज टीचर नीड्स टू प्लान एक्स्ट्रा टाइम एक्स्ट्रा टाइम से मुराद कि समाइम्स ऐसा होता है कि टीचर ने जो एक्टिविटी प्लान की है उसका टाइम जो है वो कम पड़ जाता है तो ऐसा ना हो कि टाइम कम पड़ गया है पीरियड ओवर हो गया है और उसके बाद बच्चों के पास अपरचुनिटी नहीं है अगर उन्होंने नहीं ख़त्म किया तो वह उसको कैसे ख़त्म करें नेक्स्ट टीचर आ गई है तो आपकी बच्चों की जो टास्क है वो तो कंप्लीट नहीं हुई तो टीचर नीड्स टू प्लान एक्स्ट्रा टाइम इसके लिए आप क्या कर सकते हैं मे बी यू डू सच एक्टिविटीज इन अ पीरियड जिसके बाद मे बी ब्रेक टाइम है या छुट्टी का टाइम है तो आप बच्चों को थोड़ा सा पांच दस मिनट एंगेज कर सकते हैं उस एक्टिविटी के लिए सो यू नीड टू प्लान एक्स्ट्रा टाइम या फिर आप नेक्स्ट टीचर से पहले से ही रिक्वेस्ट कर लें कि मे बी आई वुड नीड फिफ्टीन मिनट्स फ्रॉम योर क्लास अगले सेशन में आप मेरी क्लास से फिफ्टीन मिनट्स ले लीजिएगा सो यू नीड टू मेक श्योर कि आपने जो टाइम दिया है बच्चों को आपके जहन में हो बच्चों को आप ना बताएं कि उनके पास एक्स्ट्रा टाइम होगा लेकिन आप अपने तौर पे एक्स्ट्रा टाइम प्लान करके रखें कि इफ चिल्ड्रन नीड सम एक्स्ट्रा टाइम यू आर एबल टू प्रोवाइड दम दैट एक्स्ट्रा टाइम अगर नहीं होगा तो डिस्कवरी लर्निंग so तो आधी रह गई सो स्टूडेंटर गेट सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट तो उससे उनकी दे विल नॉट बी वेरी हैप्पी विद डेट नेक्स्ट द टीचर नीड्स टू रिकॉर्ड द प्रोसेस एंड रिजल्ट जब बच्चे डिस्कवरी लर्निंग कर रहे होते हैं टीचर ऑल्सो नीड्स टू डू डिस्कवरी लर्निंग फॉर हर सेल्फ और हिमसेल्फ टीचर पूरा का पूरा जो प्रोसेस क्लास के अंदर हो रहा है टीचर नीड्स टू रिकॉर्ड द प्रोसेस वो पूरा का पूरा प्रोसेस रिकॉर्ड करे और उसके ऊपर कंक्लूजन ड्रॉ करे कि अच्छा ये चीज जो है ये प्रोसेस है मैंने इससे ये सीखा कि ये चीजें ठीक गई ये चीजें ठीक नहीं गई नेक्स्ट टाइम अगर मैंने यही वाली एक्टिविटी करवानी होगी देन हाउ विल आई डू दिस एक्टिविटी नेक्स्ट टाइम तो बच्चों के साथ साथ टीचर को भी डिस्कवरी लर्निंग करनी चाहिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर सेवन फीडबैक एंड रिव्यू कि टीचर बच्चों को अपॉर्चुनिटी दे कि वो एक दूसरे से फीडबैक शेयर करें अपने ग्रुप के अंदर और टीचर नीड्स टू गिव देम फीडबैक कि आप लोगों ने ये काम बहुत अच्छा किया ये वाली चीज़ के अंदर थोड़ी कमी रह गई है एक्सपेरिमेंट के अंदर कि आप लोगों ने अपना ऑपरेटर्स तो बिल्कुल ठीक लगाया आपने इनिशियल रीडिंग्स जो थी वो भी बिल्कुल ठीक ली लेकिन मुझे लग रहा था कि आप लोगों ने उसको जो रिकॉर्ड किया है पेपर के ऊपर वो ठीक रिकॉर्ड नहीं किया जिसकी वजह से आपने रिजल्ट्स ठीक नहीं ड्रा किए इसी तरीके से कि अगर आपने बच्चों को पज़ल्स दिए हैं तो आप बच्चों को बताएं इंडिविजुअली अगर काम दिया है तो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर फीडबैक दें अगर आपने ग्रुप में काम दिया है तो ग्रुप को फीडबैक दें बताएं कि आपने ये वाले जो वर्ड्स हैं जो सिंपल वर्ड्स थे वो तो बड़ी जल्दी आपने तलाश कर लिए नए वर्ड्स हैं जो कॉम्प्लेक्स वर्ड्स थे वो आपने जल्दी तलाश नहीं किए इसके लिए ज़रूरी है कि आप ये जो लेसन है हमने लास्ट ये वर्ड्स उसी लेसन में से थे उसी टेक्स्ट uh, में से थे जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था आई सजेस्ट कि आप जब भी आपको कोई टेक्स्ट पढ़ाया जाए ट्राई टू अंडरलाइन द न्यू वोकेबलरी लर्न न्यू वोकेबलरी सो दैट यू डू नॉट टेक दैट मच टाइम इन क्लास वाइल डूइंग वाइल डूइंग एन एक्टिविटी तो आपको बच्चों को फीडबैक देना बहुत जरूरी है आप फीडबैक देंगे देन चाइल्ड विल बी एबल टू सस्टेन गुड परफॉर्मेंस और ओवरकम वीकनेसेस और अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकेगा नेक्स्ट पॉइंट दैट इज नंबर एट ट्राई अगेन कि अगर आपका ख्याल है कि बच्चों ने जो भी एक्टिविटी की है वो इतनी ज़्यादा फ्रूटफुल uh, नहीं गई डोंट गिव अप यह ना समझें कि यह एक्टिविटी ठीक नहीं थी आप उसको एक दफ़ा फिर उसी एक्टिविटी को प्लान करें किसी और ग्रुप के साथ या उसी ग्रुप के साथ उससे क्या होगा बच्चे जो हैं उनकी स्पीड बेहतर होगी परफॉर्मेंस की वो बेहतर परफॉर्म करेंगे समटाइम्स ऐसा होता है कि जब हम पहली दफ़ा कोई भी बच्चों को डिस्कवरी लर्निंग देते हैं तो हमें लगता है कि बच्चों को समझ कुछ नहीं आ रही हमें लगता है कि टाइम ज़ाया हो रहा है मैंने तो सिलेबस कवर करना था मेरा तो ये टाइम पीरियड ज़ाया हो गया ऐसी बात नहीं है जब भी आप पहली दफ़ा काम करेंगे इट वुड टेक टाइम आप घर के अंदर देखें पहली दफ़ा अगर आपने कोई खाना पकाना है इट वुड टेक मच मोर टाइम लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर आप काम करेंगे केक बनाना है या कुछ भी आपने कोई चीज़ बेक करनी है या पकानी है नेक्स्ट टाइम आप जल्दी पका लेंगे उससे नेक्स्ट टाइम आप और आसानी से पका लेंगे सो वी कीप लर्निंग सिमिलरली स्टूडेंट्स ऑल्सो लर्न पहली दफ़ा उनको पता ही नहीं है दैट इज़ एन एलियन थिंग फॉर देम सेकेंड टाइम उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी वो ज्यादा उनको समझ आ गई होगी कि आर टीचर्स एक्सपेक्टेशन बेहतर परफॉर्म करेंगे थर्ड टाइम और ज्यादा जल्दी परफॉर्म करेंगे सो डोंट गिव अप ट्राई अगेन एंड सी वट और नाइन्थ सिंटेक्स ऑफ डिस्कवरी लर्निंग इज दैट प्लान डिस्कवरी लर्निंग एक्टिविटीज इन एडवांस आपने ट्राई आउट कर लिया और आपने ये देखा कि आपने आ, ये डिस्कवरी लर्निंग अच्छी गई है आप इसको प्लान करते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के लिए भी और अगर आपका ख्याल है कि ये दो दफ़ा भी ट्राई किया है तीन दफ़ा भी ट्राई किया है दिस एक्टिविटी डजेंट वर्क गिव इट अप थिंक ऑफ सम अदर एक्टिविटी डोंट गिव अप डिस्कवरी लर्निंग मैथड गिव अप ओनली दैट एक्टिविटी विच डट वर्क इन योर क्लास डिस्कवरी लर्निंग मेथड कोई एक तरह का नहीं है या डिस्कवरी लर्निंग एक्टिविटीज कोई एक तरह की नहीं है ये तो सैकड़ों एक्टिविटीज जो हैं वो डिस्कवरी लर्निंग एक्टिविटीज होंगी सो गिव अप एक्टिविटीज विच डू नॉट वर्क इन योर क्लास सो दैट वाज सिंटेक्स ऑफ डिस्कवरी लर्निंग देअर आर सम्पल्स ऑफ डिस्कवरी लर्निंग आई हैव डिस्कल ऑलरेडी विद यू एक एग्जाम्पल और है कि आप बच्चों को छोटे बच्चों को सॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं प्लांट्स uh, के बारे में दे रहे हैं लीव्स की शेप का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं सो वट टास्क कैन यू गिव टू योर स्टूडेंट्स वो ये हो सकती है कि पीपल के पत्ते लेके बच्चों को दे दें और काफी सारे देने में भी यू गिव दम फिफ्टी लीव्स इन ईच ग्रुप और बच्चों को कहीं आर ऑल पीपल लीव ऑफ द सेम शेप मेक चिल्ड्रन अवेयर ऑफ द डाइवर्सिटी विदीव स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस और री इन्फोर्स सिंपल रिकॉर्डिंग स्किल्स एंड प्रैक्टिस बेसिक काउंटिंग स्किल्स टू क्या कर सकते हैं बच्चों से कहें कि अच्छा अगर आपको नजर नहीं आ रहा है आप इसको ड्रॉ करें पेंसिल के साथ बच्चा जो है बच्चे ड्रॉ करे और फिर उनसे कहें कि अच्छा अब इनको काउंट करो कितने आपने बनाए हैं और ये बताओ कि कितने जो है उनका सेम साइज है कितनों की शेप मिलती जुलती है ये भी बताएं कि क्या सारे पत्तों की शेप बिल्कुल एक जैसी है या डिफरेंट है आप ये वाली टास्क देंगे तो डेफिनेटली बच्चे जो हैं वो रिकॉर्ड कर रहे हैं डेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं तो डेटा रिकॉर्डिंग जो है वो बच्चों को बहुत अर्ली स्टेज में प्री स्कूल से सिखाई जा सकती है दिस कुड बी सिंपल डिस्कवरी लर्निंग टास्क फॉर वेरी यंग चिल्ड्रन ट्रैयर हंट के ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं फिर आप बच्चों को एक टास्क दे सकते हैं कि अंडरग्राउंड प्लांट एक्सप्लोरेशन कि वो प्लांट्स एक्सप्लोर करें जो कि अंडरग्राउंड जिनका स्टेम होता है और वो वाला हम यूज़ करते हैं उनको अपनी एवरीडे लाइफ के अंदर उन प्लांट्स को यूज़ करते हैं तो अंडरग्राउंड प्लांट एक्सप्लोरेशन हो सकती है हाउ आर दीज प्लांट्स डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लांट्स इसी तरीके से आप बच्चों को सिंपल केस दे सकते हैं पिक्चर्स का कि लुक एट पिक्चर्स एंड डिस्क्राइब हरप्पा सिविलाइजेशन कि बच्चे जो हैं उनके सामने केस है पिक्चर्स हैं और बच्चे उनको देख के दे आर गोइंग टू डिस्क्राइब कि उस हरप्पा के लोग जो थे किस तरह उनका रहन सहन था सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्कवरी लर्निंग सो so, अभी तक हमने डिस्कवरी लर्निंग के ऊपर बात की हमने कहा कि ये वो इंस्ट्रक्शनल मेथड है विच यूजली इन्वॉल्व हैंड्स ऑन एक्टिव एक्सपीरियंसेस इसकी हमने टाइप्स बात की हमने इसका सिंटेक्स देखा और इसकी कुछ एग्जाम्पल्स को देखा एंड वी नो दैट डिस्कवरी लर्निंग मेथड इज़ अ चाइल्ड सेंटर्ड मैथड अब हम बात करने जा रहे हैं एक टीचर सेंटर्ड मैथड की दैट इज कॉल्ड प्रजेंटेशन कई लोग इसको लेक्चर मैथड भी बोलते हैं

डलरेटिव नॉलेज देना है न्यू इन्फॉर्मेशन देनी है वेदर दे आर फैक्ट जनरलाइजेशन और वी प्रेफर यूजिंग दिस मैथड दे कंप्राइज अ लार्ज पोर्शन ऑफ क्लासरूम टाइम प्राइमेली बिकॉज करिकुला इन स्कूल हैव बीन स्ट्रक्चर्ड अराउंड बॉडीज ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू लर्न क्योंकि आम तौर पे हमारा जो निसाब होता है हमारा जो सिलेबस होता है उसमें हम बच्चों को इन्फॉर्मेशन देते हैं और हम हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आती हो तो उसके लिए ये मेथड यूज किया जाता है लेकिन हम अपने इस कोर्स के अंदर जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग के कोर्स के अंदर इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि लेस इज मोर डीपर इज़ बेटर तो हमने बच्चों को इंफॉर्मेशन नहीं देनी बल्कि हमने उनको ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी की स्किल्स देनी है हमने उनको इंडिपेंडेंट लर्नर्स बनाना है और उसके लिए हमें लर्नर सेंटर्ड अप्रोच को यूज करना होगा लर्नर सेंटर्ड मेथड्स यूज करने होंगे लेकिन इसके साथ साथ में देर आर टाइम्स वेन वी नीड टू गिव स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन तो इंफॉर्मेशन जब देनी है तो हमें प्रेजेंटेशन और लेक्चर मेथड को यूज करना पड़ेगा इस वक्त हमारा इस मेथड को डिस्कस करने का मकसद ये है कि हम ये जान सकें कि ये मेथड भी अगर हमने यूज करना है तो इसको इफेक्टिवली कैसे यूज किया जा सकता है तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसका सिंटेक्स क्या है कि इसको हमने कैसे यूज करना है इसके लिए वी नीड टू प्रेजेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड एस्टेब्लिश सेट हमें पहले बच्चों को बताना है कि हमने अगले इस टाइम के अंदर क्या करना है एंड वी नीड टू इस्टेब्लिश द सेट फिर इसके ऊपर मैं डिटेल में बात नहीं करूंगी क्योंकि हम पहले बात कर चुके हैं कि सेट क्या होता है ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं फिर हमें बच्चों को एडवांस ऑर्गेनाइजर बताना है कि हमने अल्टीमेटली क्या चीज़ अचीव करनी है हमने अल्टीमेटली क्या चीज़ सीखनी है या कौन सा कॉन्टेंट जो है वो हमने एंड तक सीख लेना है देन वी नीड टू प्रेजेंट द लर्निंग मेटीरियल्स के हम उसको प्रेजेंट करें उस इन्फॉर्मेशन को यूजिंग प्रोसेस टू मोनिटर स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग एंड हेल्प टू एक्सटेंड एंड स्ट्रेंथन स्टूडेंट थिंकिंग हमने बच्चों को उनकी थ्रू आउट मोनिटर भी करते रहना है कि बच्चों को कितनी समझ आ रही है एंड देन वी नीड टू अस इफ स्टूडेंट हैव लर्न द प्रजेंटेड इन्फॉर्मेशन और नॉट जो इसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है हाउ टू प्रेजेंट लर्निंग मटेरियल्स। हमने ऑब्जेक्टिव्स भी बच्चों को बता दिए सेट भी एस्टेब्लिश कर लिया ये भी बता दिया कि अल्टीमेट कंटेंट बच्चों ने क्या लर्न करना है वी प्रेजेंटेड एडवांस ऑर्गेनाइजर जब लर्निंग मटेरियल्स की बात आती है तो इफेक्टिव फॉलो Rule example rule technique. I repeat it that effective presentations are those presentations which follow rule example rule technique. I am going to read it for you from the slide. A technique used when explaining something whereby the general principle or rule is given.

Uh, क्या है एंड देन आई अगेन री स्टेट द मेन रूल अभी भी मैंने आपको ये क्या कहा है कि मैंने आपको रोल एग्जाम्पल रूल बताया है कि यह है क्या है वेज फ्रॉम द स्लाइड एंड देन आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि एग्जाम्पल क्या है अपनी अपने इस कोर्स की ही मैंने दी कि इस आज के लेसन के अंदर भी जब मैंने आपको डिस्कवरी लर्निंग के बारे में बताया आई कैप्ट गिंग यू एग्जाम्पल्स तो आप जब रूल बताते हैं इफ़ यू डू नॉट गिव एग्जाम्पल्स टू योर स्टूडेंट्स इन फैक्ट स्टूडेंट्स डू नॉट अंडरस्टैंड दैट रूल इफ स्टूडेंट्स डू नॉट अंडरस्टैंड दैट रूल व्हाट डू दे डू दे मेमोराइज द इंफॉर्मेशन विदाउट अंडरस्टैंडिंग द इंफॉर्मेशन सो इन प्रजेंटेशन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज एग्जाम्पल्स सो प्रॉबली यू हैव नोटिस थ्रू आउट दिस कोर्स दैट आई हैव Quite many examples at every point, whether it was Bloom's taxonomy or it was a, uh, effective domains taxonomy I try to give you a number of examples so that you understand the rule. So whenever you use presentation as a teaching method, try to use this technique that is rule, example rule technique. So now I have a small question for you which of the following lesson objectives would be most appropriate for a lesson using presentation model a students will be able to dissect a frog b students will describe the anatomy of a frog c students will prepare a slide for microscopic view d students will examine frog cells under a microscope what is the answer of the question Ke in char ऑब्जेक्टिव जो है इट वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर प्रेजेंटेशन मॉडल आंसर इज बी स्टूडेंट्स विल डिस्क्राइब द एनाटमी ऑफ अ फ्रॉग. इसलिए कि हम जब भी प्रेजेंटेशन uh, मोड को यूज़ करते हैं तो प्राइमरी पर्पस इंफॉर्मेशन देना होता है इंफॉर्मेशन कोड बी ऑफ फैक्ट्स कॉन्सेप्ट्स और जनरलाइजेशन तो आपका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव uh, है वो ये नहीं है कि बच्चों को कोई प्रोसीजर आ जाएगा या कुछ वो दे विल बी एबल टू डाइसेक्ट अ फ्रॉग और या फिर दे विल बी एबल टू एग्ज़ामिन समथिंग स्लाइड्स बनानी आ जाएंगी सो योर पर्पज इज नॉट टू गिव प्रोसीजरल नॉलेज अगर आपने प्रोसीजरल नॉलेज देना है यू विल यूज डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन फॉर द पर्पज अगर आपने मेटा कॉग्नेटिव नॉलेज देना है यू विल सर्टनली यूज सम लर्नर सेंटर्ड मैथड्स बट इफ यू वॉन्ट टू गिव सम इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स एंड यू वॉन्ट देम टू अक्वायर और डिवेलप देयर कॉग्नेटिव स्किल्स देन यू यू मे यूज दिस मैथड सो Presentation method is generally used for this purpose for giving information to the students, but students will not gather that information unless you do not employ the technique of rule, example rule. So, no method is bad or no method is good, it is the relevance uh, which is important. So, if we are going to give students procedural knowledge we cannot use presentation method probably we will not be using discovery method or other learning methods uh, student centered methods rather we will go for direct instruction so use different methods for giving different kinds of knowledge for different kinds of objectives so today we talked about आवर मेजर चंक ऑफ द लेसन वेंट टू डिस्कवरी लर्निंग वी टॉक्ट अबाउट एट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड वट इज इट अबाउट एंड हाउ कैन वी अप्लाई दिस मैथड सक्सेसफुल इन आवर क्लास और एंड के ऊपर हमने थोड़ा सा प्रेजेंटेशन मोड को भी देखा ये जानने के लिए कि ये वाला भी मैथड बहुत अच्छा मैथड है अगर इसका रेलिवेंस है और इसको कैसे बेहतर तरीके से किया इस्तेमाल किया जा सकता है सो so, हम अपने नेक्स्ट लेसन में कुछ और मेथड के ऊपर बात करेंगे टिल uh, देन खुदा हाफिज